वाला है, बरेली में मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड मिलने आने वाला है। नहीं मम्मी हिंदी अच्छा प्रयास कर रही है, मस्त खाने के साथ एक बढ़िया चीज मिला है। हम लोग अभी फॉरेस्ट का एरिया में घुस गए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिन से बहुत कोई वीडियो नहीं बना ड्यू टू सम ऑफ माय पर्सनल रीजन। वो मैं कुछ बिजी था अपना, कुछ दूसरा काम से, कुछ दूसरा प्लानिंग चल रहा था और बहुत सारा इश्यूज था, कुछ हेल्थ इश्यूज भी था। अभी बहुत दिन के बाद अनदर व्लॉग विथ अनदर सीरीज ऑफ व्लॉग। हम लोग अभी टोटल फैमिली जा रहे हैं एक हॉलीडे पे, छोटा हॉलीडे है मगर एक्साइटिंग हॉलीडे है। तो राइट नाउ हम लोग अभी राजधानी में है, सब कोई मम्मी ऊपर में स्वागत था, ये तो सब पुपे पुपे से हाय। हम लोग अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स, फर्स्ट हम लोग जाएंगे जिम कॉर्बेट, आफ्टर टू नाइट जिम कॉर्बेट उसके बाद हम लोग जाएंगे हरिद्वार, वहाँ से ऋषिकेश, वहाँ से दिल्ली। एंड ट्रेन टूडे, कल सुबह हम लोग मुरादाबाद उतरेंगे, वहाँ से बाई रोड रामनगर। चलो अच्छा मजा आएगा, बहुत दिन के बाद व्लॉग कर रहा हूँ, बढ़िया से करूंगा। गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अभी हम लोग कहाँ जा रही हो बोलो? हम जा रहे हैं बस करके दूध पीकर बैठे हैं। का ट्रेन रुकेगी और हम लोग उतरेंगे, और ये देखिए बाहर का नजारा। अभी यूपी यूपी में है ना। मॉर्निंग उठ गए हैं और वेट है कि मुरादाबाद उतरेंगे हम लोग सुबह, लखनऊ 6 बजे लखनऊ पार कर गए हम लोग। अभी इसके बाद अभी बरेली आने वाला है, बरेली में मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड मिलने आने वाला है, इसलिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्लोज क्या है मतलब वर्चुअल फ्रेंड मेरा, फर्स्ट टाइम मेरे से मैं उससे मिलूंगा। ऑलमोस्ट 10:40 तक हम लोग मुरादाबाद उतरेंगे, वहाँ पर गाड़ी भी रिजर्व कर लिया है। और मम्मी पापा भी बिजी है, कोई पापा अपना फ्रेंड बना लिए ट्रेन में। आगे पहुंचे, ट्रेन हम लोग का ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा लेट था, बहुत लेट से उतरे, पूरा प्लान चौपट हो गया। हम लोग इतना टाइम तक हम लोग मतलब ऑलमोस्ट कॉर्बेट पहुंच जाने का प्लान था, मतलब जो प्लानिंग सिस्टमेटिक था उधर सब अभी खाने पीने का दिक्कत, क्योंकि रास्ते में कहीं पे खाना पड़ेगा। मेन रास्ते में खाना हम लोग के लिए इशू नहीं होता है, पुपे के लिए इशू हो जाता है ना, तो देखते हैं कहीं पे वही अरेंज करना पड़ेगा कुछ। तो लेट्स सी, मुरादाबाद से निकल रहे हैं अभी, मैं गाड़ी बुक कर लिया था अपने क्वाइटिव से, ड्राइवर तो टाइम आ गया था एकदम एज यूजुअल, अपने क्वाइटिव का बेस्ट सर्विस। निकलते हैं टूवर्ड्स रामनगर की तरफ पे। चलो वेलकम टू देवभूमि। तो यूपी से निकले, निकल के अभी हम लोग अभी लगभग द टाइम इज़ नाउ 3, हम लोग अभी पहुँचे उत्तराखंड में। यहाँ पे एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में, क्योंकि भूख भी तो बहुत तगड़ा लगा हुआ है, तो एक रेस्टोरेंट में रुके हैं। कुपे का भी कुछ खाने का, कुपे का खाने का टाइम हो गया, तो अभी खाना वाना खाएँगे, फिर खाना ऑर्डर दे दिए। प्योर वेज एरिया है तो इसीलिए बंगाली लोगों को थोड़ा दिक्कत ही होता है, कुपे को मगर मज़ा आ रहा है यहाँ पर ये सब भालू वालू देख के। आ गया हम लोगों का लंच, और पुपे मम्मी को और अपनी दादी को दोनों को पकड़ के खिला रही है देवभूमि का वेज खाना। अच्छा है,
गरम गरम रोटी, दाल तड़का, पनीर मिक्स वेज और पुपे का दाल चावल। अच्छा खाना, दाल चावल सैलड जीरा आलू बहुत अच्छा खाना। और पापड़ भी है ना, अचार तो सबसे सबसे अच्छी। नहीं मम्मी हिंदी अच्छा प्रयास कर रही है। मस्त खाने के साथ एक बढ़िया चीज़ मिला यहाँ पे, बिलिंग के साथ ये गन्ने का गुड़ दिया है। लिटरली फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड दिस। नाइस, जनरली सॉफ्ट देता है, सॉफ्ट मिचरी था साथ में एक गुड़। कैसा लगा? बहुत सही। और ये वाला गुड़ मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छा है, दोनों शुगर के बीमारी है। शुगर में ये गन्ने का गुड़ बहुत अच्छा होता है खाना। यह खाना अभी चल रहे हम लोग उत्तराखंड देवभूमि के तरफ में। मैं बताऊं वो है ढिकुली, ढिकुली हम लोगों जाना है जहाँ पे हम लोगों का रेस्ट रिसोर्ट है। हम लोग रामनगर सिटी में, इज द नियरेस्ट पॉइंट टू जिम कॉर्बेट। यहाँ पे हम लोग इधर से रिसोर्ट तक जाएंगे। यहाँ से रिसोर्ट कितना दूर है भाई? 9 किलोमीटर। वेलकम टू जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट। हम लोग अभी फॉरेस्ट का एरिया में घुस गए। नगर पालिका परिषद रामनगर में पधार रहे हैं। रिजोर्ट आ गया। गुड इवनिंग। वो हम लोग तो आ गए थे उस टाइम में, चेक इन वगैरह कर लिए रूम में जाके, थोड़ा फ्रेश होने लगे तो पता चला इस टाइम एक हाई टी का अरेंजमेंट रहता है इवनिंग टाइम में 4:30 to 5:30 तक उस एरिया में। दिखाता हूँ एरिया, वो एरिया में अच्छा एरिया है ये। यहाँ से पूरा एक सामने से रिवर है, ये तारंगी जो लिखा है इसके पीछे में। तो इवनिंग टाइम में वहाँ पे आए मगर इतना थके हुए थे कि टी वगैरह लेके रूम चले गए। सोचे इवनिंग टाइम उसके बाद 7:30 से यहाँ से यहाँ पे इसी एरिया में एक प्रोग्राम वगैरह होता है तो वो देखने आएंगे। तो आके देखे बारिश शुरू हो गया यहाँ पर, अच्छा पूरा ठंड पड़ गया तो नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया। तो हम लोग आए, स्वागता तो इतना टायर्ड थी कि वो रूम पे भी रेस्ट कर रही है। मम्मी पापा और पूपे और मैं इधर आया, आके देख रहे फंस गए इधर रेस्टोरेंट में। हम लोग बैठे हुए रेस्टोरेंट में बैठ के, मम्मी पापा उधर बैठ के मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं, पूपे उन लोगों को परेशान कर रही है और मैं यही कैमरा लेके इधर उधर घूम रहा हूँ। बाकी ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तो बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, ये रेस्टोरेंट एरिया है। फिलहाल इधर ही वेट करते हैं, डिनर करेंगे, डिनर करके रिसोर्ट जाएंगे क्योंकि कल हम लोगों का 6:00 कैंटर सफारी है फॉर ढिकाला रेंज। चलो एंजॉय करते हैं फैमिली टाइम। बताओ कैसा रहा फर्स्ट डे ऑफ टूर का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। एक्चुअली जर्नी करके थोड़ा थक गए थे लेकिन होटल देख के, रूम देख के, वाइब्स देख के पूरा मन अच्छा हो गया। वही है अभी ये तो अपना अच्छा रेस्ट वगैरह कर ली थी। हाँ। शाम से पूरा ये सोई हुई थी। अभी मेरा भाई है, मैं पूरा जा रहा हूँ। कल सुबह हम लोग अराउंड 5, हाँ मतलब बिफोर 5 AM उठना है क्योंकि हम लोगों को 6:10 को पिकअप है रिजॉर्ट के सामने से फॉर ढिकाला, मॉर्निंग में ढिकाला रेंज का सफारी के लिए। सो अभी के लिए गुड नाइट। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एज ऑलवेज एज यू डन इन बिफोर।
सो गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।